सूने पड़े रेलवे ट्रैक पर अब हलचल होने को है। कानपुर कोरोना से घबराया है, इसके बावजूद भी लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। लॉकडाउन में चौपट हुए धंधों और बेरोजगारी ने जो जख्म दिए हैं उन्हें भरने में अभी समय लगेगा, लेकिन रेल सेवा शुरू होने से बाजारों में रौनक लौटने की पूरी संभावना है। आपको बताते चले कि रेल सेवा भी बाधित थी। कुछ स्पेशल ट्रेनों को छोड़कर 12 सितंबर से 22 ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं, जिससे कि राजस्व तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही यात्रियों को भी राहत मिलेगी। 22 ट्रेनें जो चलनी हैं उसे लेकर सेंट्रल स्टेशन के डायरेक्टर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने स्टेशन और अनवरगंज स्टेशन का निरीक्षण किया, जिससे कि ट्रेन के पटरी पर दौड़ने के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो और ना ही यात्रियों को कोई समस्या हो। आज निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि 12 सितंबर से कुछ ट्रेन चालू होने वाली हैं। अभी जैसे आपको पता होगा कानपुर सेंट्रल से ही सारी ट्रेन चल रही थी, लेकिन गोविंदपुरी अनवरगंज स्टेशन से 12 सितंबर से दो ट्रेन गुजरने वाली हैं, जिसमें से एक ट्रेन चौरी चौरा एक्सप्रेस यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होगी और कालिंदी एक्सप्रेस यहाँ से होकर पास होगी। तो यहाँ पर यात्रियों की बोर्डिंग डीबोर्डिंग में कोविड प्रोटोकॉल के कंप्लायंस के साथ में किस तरह एंट्री एग्जिट और बाकी यात्री सुविधाओं को रिस्टोर कराना है। चूँकि स्टेशन ये यात्री सुविधाओं के लिए पिछले 4 महीने से बंद है, तो उसको चालू करके हमें किस हिसाब से कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए बाकी कार्रवाई करनी है, इसी के लिए मैंने अपने साथी अधिकारियों के साथ यहाँ निरीक्षण किया है। और जो छोटी मोटी कमियाँ अभी 4 महीनों चूँकि स्टेशन बंद था, तो कुछ छोटी मोटी कमियाँ जो आ गई हैं उसे दुरुस्त करवाया जाएगा और कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हम लोग ट्रेन ऑपरेशन और यात्रियों को एंट्री एग्जिट करवाएंगे।